एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जहां पर ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है इस वक्त, कल भी उनका एक बयान आया सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो रहा है, देश में आजादी को लेकर, मीडिया की आजादी को लेकर उन्होंने बयान दिया। अक्सर वो कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इंदिरा गांधी में जब इमरजेंसी को लागू किया गया था और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो वहां भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उसके बिल्कुल उलट अभी लोकसभा में जो एक ट्विटर को लेकर के आंकड़े दिए गए और ट्विटर ने भी आंकड़े जारी किए हैं जिसमें यह कहा गया कि 2022 में अभी तक सिर्फ 6-7 महीने के दौरान पिछले कई सालों के मुकाबले कंटेंट को बैन किया गया है, कंटेंट को हटाने के लिए सरकार के जरिए ट्विटर को लिखा गया है, कंटेंट को रिमूव करने के लिए सरकार के जरिए ट्विटर से अनुरोध किया गया है और उस पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उन अनुरोधों को स्वीकार कर किया है और उसके बाद ट्विटर से उन सामग्रियों को हटा दिया गया है जिनको हटाने की दरख्वास्त केंद्र सरकार के जरिए या राज्य सरकारों के जरिए की गई। 2014 जब नरेंद्र मोदी सरकार आई और जब से लेकर 2020 के बीच केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की जारी किए गए सामग्री हटाने या ब्लॉक करने संबंधी आदेशों की संख्या में लगभग 2000% की वृद्धि हुई है। 2000%, आप देखिए किस तरह से इस पर जो है लगाम लगाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उस सोशल मीडिया पर जिसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई थी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था और हजारों करोड़ रुपए खर्च किया था इलेक्शन में सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह की चीजें आपने देखा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, और खुद जो उनके समर्थक थे बाबा रामदेव से लेकर के रविशंकर तक जिस तरह से कह रहे थे कि जब काला धन देश में आ जाएगा 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, आज वो सब खामोश हैं। और आज वही सोशल मीडिया बीजेपी के लिए, संघ के लिए, हिंदूवादी संगठनों के लिए गले की हड्डी बन गया है और इसी वजह से लगातार कंटेंट हटाने के लिए कहा जाता है। तो आपने देखा कि 2000% की वृद्धि हुई है। 2014 में ऐसे आदेशों की संख्या 471 थी जो कि 2020 में बढ़कर 9849 पहुंच गई। देखिए सिर्फ 471 से 9849 पहुंच गई 2020 तक 14 से लेकर। यह भारत में बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप की प्रवृत्ति को उजागर करता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट अगर कहीं पर बैन किया गया है ट्विटर पर तो वो भारत है। भारत सरकार द्वारा 2022 के शुरुआती 6 महीनों में ट्विटर को सामग्री हटाने और अकाउंट ब्लॉक करने संबंधी दिए गए आदेशों की संख्या 2019 के पूरे वर्ष के दौरान जारी किए गए ऐसे ही आदेशों की कुल संख्या को भी पार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा बुधवार 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तक ट्विटर को 1122 ब्लॉकिंग के आदेश जारी किए गए, यानी इस साल 2022 में 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2022 यानी 6 महीने के अंदर 1122, जबकि पूरे 2019 वर्ष में ऐसे आदेशों की संख्या 1041 थी, यानी 6 महीने में ही यह संख्या क्रॉस कर गई है। चंद्रशेखर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ वर्ष 2021 में ट्विटर को आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 2851 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए गए थे जो कि किसी भी वर्ष से सर्वाधिक हैं। संयोग यह है कि उस समय हुआ था जब किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर ने 250 अकाउंट को भड़काऊ ट्वीट साझा करने के चलते ब्लॉक कर दिया था और कंपनी को कोविड-19 से निपटने में सरकार की आलोचना करने वाले कुछ ट्विटर को हटाने का आदेश जारी किया गया था। गौरतलब है कि 2021 वही साल है जब दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने, एक टीम ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव के कार्यालय पर दस्तक दी थी। संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों से यह भी खुलासा हुआ है कि कम से कम 2016 के बाद प्रत्येक वर्ष सोशल मीडिया मंचों को जारी किए गए कुल ब्लॉकिंग आदेशों में ट्विटर को जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या अधिक है, केवल 2018 इस मामले में अपवाद है। उदाहरण के
लिए पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में दिए गए जवाब में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2016 में सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत 633 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे। बुधवार को चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उस साल ट्विटर को 194 ब्लॉकिंग आदेश दिए गए थे। उसका मतलब यह हुआ कि उस साल जारी किए गए कुल ब्लॉकिंग आदेशों में ट्विटर को जारी किए गए आदेशों की संख्या 30% से अधिक थी। इसी तरह 2017 में सरकार ने कुल 1385 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए, जिनमें से 588 ट्विटर को जारी किए गए थे, जो कि कुल ब्लॉकिंग आदेशों की 41% से अधिक था। बता दें कि कुल ब्लॉकिंग आदेशों में विभिन्न सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के साथ साथ विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को भेजे गए वेबसाइटों को ब्लॉक करने संबंधी आदेश भी शामिल होते हैं। 2018 में जरूर ट्विटर को भेजे गए इन सेंसरशिप संबंध आदेशों में गिरावट दर्ज की गई थी। उस साल जारी किए गए कुल 2799 ब्लॉकिंग आदेशों में ट्विटर को भी भेजे गए आदेशों की संख्या केवल 8% थी। 2019 में कुल 3635 ब्लॉकिंग आदेशों में से 28% से अधिक आदेश ट्विटर को भेजे गए थे। 2020 में कुल 9849 ब्लॉकिंग आदेशों में से ट्विटर को 27% से अधिक आदेश मिले थे। फरवरी 2021 और 22 के बीच इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ट्विटर को आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 1400 से अधिक अकाउंट और 175 ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया है। ट्विटर ने सरकार के आदेशों के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उसने 39 ब्लॉकिंग आदेशों को रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, 2014 से 2020 के बीच सरकार द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदान करने वाले कंपनियों की सामग्री हटाने या ब्लॉक करने संबंधित आदेशों की संख्या में लगभग 2000% की वृद्धि हुई है। 2014 में ऐसे आदेशों की संख्या 471 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 9849 पहुंच गई है। ये भारत में बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप की प्रवृत्ति को उजागर करता है और ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आज़ादी, मीडिया को बात करने की आज़ादी, आम आदमी को किस तरह से बोलने की आज़ादी, सरकार पर कटाक्ष करने की आज़ादी, किस तरह से इन सारी चीज़ों का गला घोंटा जा रहा है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप एवरीडे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।